चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। पहले नवरात्र पर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। नवरात्र के उपलक्ष्य में दुर्गा मंदिरों को बड़े धूमधाम से सजाया गया है। पहले नवरात्र के दिन भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों में आज के दिन एक अलग ही उत्साह और काफी उमंग देखने को मिली है। साथ ही माता की प्रतिमा का भी 9 दिनों तक विशेष श्रृंगार किया जाता है। अच्छी तरह से की जा रही है और की जानी भी चाहिए। पूरे नवरात्र में भीड़ भी होनी चाहिए। अच्छा है, देखो दिन को बंदा सुबह से 3 बजे भीड़ लग जाती है। तो कैसी भीड़ है मंदिर के अंदर? नहीं, बहुत अच्छी भीड़ है। यहाँ लाइन से दर्शन किए जा रहे हैं? लाइन से दर्शन किए जा रहे हैं। अच्छी तरह से दर्शन किए। पूजा अर्चना कैसे की जाती है? बहुत अच्छी बात है। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? तो हमें बहुत उत्साह, सुबह 4 बजे से ही ऐसी लाइन लगी हुई है और बड़ी अभी दोपहर तक 12 बजे तक यही लाइन रहेगी। 12 बजे तक। तो कौन सी देवी का आज नवरात्र? शैलपुत्री। तो क्या कि जिस तरह से कोरोना काल में मंदिरों में भीड़ नहीं मिलती थी, बहुत कम लोग कोरोना काल के बाद अब नवरात्र जैसे शुरू हुए 2 साल के बाद, तो कैसा उत्साह है लोगों? अब तो काफ़ी उत्साह, काफ़ी भीड़ है, सुबह से ही लाइन लगी हुई है, पब्लिक आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कोरोना काल में कितनी? कोरोना काल में तो बहुत थोड़ी भीड़ थी, तो अब भी लोग आते थे। हाँ। तो पुलिस की वजह से, डर की वजह से नहीं, बहुत पब्लिक आती थी कोरोना काल में। तो अब लोग खूब आ रहे हैं? अब खूब आ रहे हैं। और एक थोड़ा और जिमीदारों को काम चल रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ी कम है। भीड़ काफ़ी है सुबह 4 बजे से ही ऐसी लाइन लगी। तो वहीं बात करें रेवाड़ी के 12,000 स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर की, तो मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर मां की उपासना कर रहे हैं। श्रद्धालु नारियल, चुनरी और मिश्री का प्रसाद लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। एकदम शैलपुत्री और अभी शुरू हुए हैं, और शुरू होते ही पहले थोड़ा हल्का लगाए भी, तो थोड़ा आने जाने की भीड़ कम है, और आने जाने के समय में 9 तारीख तक अच्छी बढ़िया भीड़ पड़ेगी। ये देवी की वजह से नवरात्र मनाए जाते हैं, देवी पूजन होता है, देवी पूजन के कारण नवरात्र मनाए जाते हैं। ये प्राचीन मंदिर है, अपने दुर्गा मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, ये मान्य हुआ प्रणाम मंदिर। संग अभी तो कम आ रहे हैं, अभी पहला नवरात्र है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ खूब होती है यहाँ। नवरात्र में खूब भीड़ होती है बहुत। यहाँ मिश्री और उसका प्रसाद चढ़ता है, मिश्री बोले का इनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। फल जो भी लाते हैं वो सभी चढ़ाया जाए, मिष्ठान वगैरह सभी कोई जो भी चढ़ाते हैं वो सभी चीज़ चढ़ा देते हैं। पहला शैलपुत्री है ये। आज माता रानी का प्रथम नवरात्र है, माँ शैलपुत्री का जो बहुत पावन पुण्यदायक है, और हमारे शक्तिपीठ श्री दुर्गा मंदिर में महारानी के दरबार में भक्तों की तादाद चल रही है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी की कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, प्रसाद चला रहे हैं, ध्वजाएँ चला रहे हैं, कतार से माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही महामाई के दरबार पे। बस यही हमारी कामना है माता रानी से, माता रानी सभी भक्तों के कष्ट कलेश दूर कर रखें, सभी खुश रहें, धन धान से भंडार समृद्धि बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहे। जय माता रानी। आज घर से स्थापना होने वाली है, जो हम 7:30 का टाइम रखा है हमने सब घर पूजा का, हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर पे डेली दिनचर्या से पूजा होगी। सुबह 8 बजे से माता रानी की, इसके बाद 10 बजे आरती करते हैं हम लोग, और डेली एक यजमान पूजा में बैठेंगे, माता रानी पूजा में सम्मिलित होंगे। इस तरह से 9 दिन की प्रक्रिया चलेगी हमारी। प्रथम शैलपुत्री का प्रथम जो देवी है, पहली देवी उनका नाम है शैलपुत्री माँ, उनका। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों के मुताबिक इस बार चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना काल में लोग त्योहार तो मना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उत्साह गायब था जो इस बार भक्तों में देखने को मिल रहा है। होडल से हरिओम, मौर्यवाड़ी से राजेश शर्मा, सत्य खबर।
सत्य सटीक बेबाक।